मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश का भविष्य चौपट हो गया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री ने शिवराज सरकार का सम्मान बढ़ा दिया है। कैबिनेट मंत्री ने बयान दिया है कि अगर मध्य प्रदेश का कुपोषण दूर करने की जरूरत है तो मैं भी अंडे दूंगी, जिससे कुपोषण समाप्त किया जा सके। मुख्यमंत्री को अब कुकुक्त परियोजना पर पुनः विचार करना चाहिए। इतने काबिल कैबिनेट मंत्री हैं कि खुद ही ये दावा कर रहे हैं कि कुपोषण समाप्त करने के लिए अंडे देने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री को इतनी सामर्थ्यवान कैबिनेट मंत्री का सम्मान करके अन्य कैबिनेट मंत्रियों से भी पूछना चाहिए कि अंडा देने की योजना में कौन कौन सक्षम है, वो कुपोषण दूर करने के लिए अंडा देने की प्रक्रिया तत्काल शुरू कर दें। मध्य प्रदेश का सम्मान समाप्त हो रहा है, युवाओं का सम्मान समाप्त हो रहा है और मंत्री अपने सत्ता के नशे में मदहोश हुए जा रहे हैं, तो उसका कोई अंत ही नहीं हो रहा है। अब जनता उपचुनाव में मंत्रियों को अंडा देने की तैयारी कर रही है, वोटों का 0% उनको मिलेगा तब उनको पता चलेगा कि अंडे का फंडा क्या होता है। और बाद में सिंधिया और ये 25 गद्दार मिलकर पोल्ट्री फार्म खोल लें, अंडे मुफ्त के मिल जाएंगे। जो का कुपोषण दूर होता है तो मैं भी अंडा दूंगी, पर मध्य प्रदेश से कुपोषण दूर करूंगी। वो दूर होता है तो मैं भी अंडा दूंगी, पर मध्य प्रदेश से कुपोषण दूर होता है तो मैं भी अंडा दूंगी, पर मध्य प्रदेश से कुपोषण दूर होता है तो मैं भी अंडा दूंगी, पर मध्य प्रदेश से कुपोषण दूर होता है तो मैं भी अंडा दूंगी, पर मध्य प्रदेश से कुपोषण दूर होता है तो मैं भी अंडा दूंगी, पर मध्य प्रदेश से कुपोषण दूर होता है तो मैं भी अंडा दूंगी, पर मध्य प्रदेश से कुपोषण दूर होता है तो मैं भी अंडा दूंगी, पर मध्य प्रदेश से कुपोषण दूर होता है तो मैं भी अंडा दूंगी, पर मध्य प्रदेश से कुपोषण